हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पे दोस्तों मार्केट चालू है, मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, सिखाऊंगा कुछ इस वीडियो में। लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, मेरी कुछ पोजीशंस भी आप देख सकते हो यहाँ पे, प्रॉफिट लॉस भी बदल रहा है लगातार। मैंने निफ्टी की कुछ कॉल्स बेच रखी है, यानी ऑप्शन सेलिंग कर रखी है, उसके अलावा ऑप्शन बाइंग भी कर रखी है, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे लगभग कुछ प्रॉफिट है और मेरा सुबह कुछ लॉस भी था, इसलिए नेट प्रॉफिट आप देखोगे निफ्टी की पुट्स में तो अच्छा हो रहा है, बट ओवरऑल 1 लाख के आसपास कहीं अकाउंट में, जो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मी मेकिंग दिस वीडियो। बट ये मेरी पोजीशंस, क्योंकि मैं पोजिशनली लिया हूँ इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ लाइव मार्केट में 5 फरवरी को 2:30 बजे के टाइम में, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आपको मैं सिखाऊंगा कुछ फ्री मनी के बारे में, फ्री मनी कैसे निकालते हैं मार्केट से, और ये फ्री मनी FD या म्यूचुअल फंड, बहुत सारे जो आप रिटर्न्स लेते हैं अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट से, उससे अच्छा है और सेफ है और आपको आपके काम पे जॉब पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। यानी हम कुछ फ्री मनी की स्ट्रेटजी सीखेंगे जो ऑप्शन सेलिंग की मदद से होती है, जो आपको आई थिंक और प्लेटफॉर्म्स पे तो शायद नहीं कर पाएंगे बट फायर्स पे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इन फ्री मनी स्ट्रेटजीज के लिए आपको मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा। प्लस ये देखो, जो फायर्स का प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू, जो कि एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है चार्ट वगैरह देखने के लिए पूरे वर्ल्ड में इस टाइम पे, वो फ्री में मिल जाता है। अगर आप फायर्स पे अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप खुलवा सकते हैं। अगेन, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन, मुझे फायर्स से कोई पैसा नहीं मिला इस वीडियो को बनाने का। दरअसल मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे फायर्स पे ही काम करते हैं, तो उनको कुछ क्वेरीज आती थी मन में, तो उन सबके भी क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। मैंने सोचा ये वीडियो पब्लिकली बना देते ताकि सभी को एक फ्री लर्निंग यहाँ पे अच्छी खासी मार्केट में मिल जाए। तो ये मेरा ओवरऑल दोस्तों व्यू था मार्केट का, मतलब इस वीडियो को बनाने का पर्पज था। अब चलते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट्स पे। देखिए, सबसे पहले ना हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को देखते हैं और कुछ चीजें समझते हैं। देखो, निफ्टी में यहाँ पे प्रीवियस डे पे आप देखोगे कि एक जो कैंडल बनी थी, इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, शूटिंग स्टार कैंडल निफ्टी में बनी थी। ये डेली चार्ट है, टाइम फ्रेम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो फायर्स में अगर आप करना चाहो तो। अभी ये एक शूटिंग स्टार कैंडल थी और उसके नीचे अभी निफ्टी आया नहीं है, लेकिन आ सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप देखोगे आज भी मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है, रेड कलर की कैंडल है और मैंने काफी टाइम वेट एंड वॉच किया, बट अभी मार्केट में प्रेशर ही दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाऊं निफ्टी का, तो आप देखोगे मेरा प्रॉफिट भी बात करते करते 1.5 लाख रुपए हो गया। तो आप देखोगे यहाँ पे निफ्टी बहुत तेजी से, जो मैं आपको लेवल अभी दिखाया डेली चार्ट पे, उसके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे निफ्टी ट्राई कर रहा है कि उसके नीचे आ जाए, और अगर निफ्टी इसके नीचे आता है तो यहाँ पे मुझे एक गैप छूटा हुआ दिख रहा है। प्लस डेली चार्ट पे शूटिंग स्टार के नीचे अगर मार्केट आती है तो वो एक वीकनेस का साइन होता है, तो अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करेगा तो नॉट ओनली दिस गैप, जो कि एक गुड इनफ टारगेट है, बट इससे ज्यादा भी मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड रह सकता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम और डिस्कस करेंगे पोजीशंस के बारे में। देखिए, जैसे मेरे पास ये निफ्टी के पुट्स मैंने खरीदे हुए हैं, ठीक है, ये निफ्टी के पुट्स मैंने खरीदे हुए हैं, और इन पुट्स का आप देखोगे कि 15 मिनट के चार्ट पे दिख रहा है कि डे का जो हाई लेवल है ये एरिया में जाके लगता है, यहाँ पे ये पुट्स जाके अटकती है, रुकती है। अब यहाँ पे ऑलवेज रिस्क टू रिवॉर्ड को फॉलो करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि इसको आपको बुक करके दिखाऊं कि भाई कैसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पे आपको ना बाय सेल के बटन फायर्स पे इधर ही मिल जाते हैं स्क्रीन पे, ये रेड बटन को दबाने पे आप सेल कर सकते हैं, ब्लू को दबाने पे आप बाय कर सकते हैं, सेल बाय, सो इट्स वेरी इजी। एंड अगर आपको लेट से सेल करना है, जैसे मैंने बाय कर रखा है ऑलरेडी, मुझे इसको सेल करना है, कुछ प्रॉफिट बुक करना है, लेट से मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि चलो आधा माल बेच दिया जाए, तो 1800 क्वांटिटी को मैं यहाँ पे बेचने का करता हूँ, तो मुझे क्वांटिटी में 1800 डालना है, ठीक है, क्वांटिटी में 1800 डालना है। एंड मैं इसको मार्केट प्राइस पे भी बेच सकता हूँ जो रेट चल रहा है, या मैं अपना कोई अगर टारगेट है, लेट से मुझे इसको बेचना है 99 रुपीज़ पे, तो मैं यहाँ पे 99 लिख के वो हो जाता है लिमिट ऑर्डर। अभी मैं फिलहाल इसको मार्केट प्राइस पे ही बेचता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे अगर इसको मार्केट प्राइस पे टिक हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, सेल पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और ये मेरा बिक गया। अब देखिए, यहाँ पे जब मैं कोई चीज़ लेता हूँ फायर्स में या तो मैं देखो यहाँ पे जब मैंने बाय किया था तो मेरा इन्होंने बाय प्राइस मुझे दिखा रहे हैं, ये जो डॉट ब्लू कलर की लाइन है ये मेरी बाय प्राइस की लाइन है, ये मुझे चार्ट पे ही इमेजिन करवा पा रही है। और देखो, ये ऑप्शंस के चार्ट आपको लग जाएंगे अगर, तो आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये हाई अगर टूटता है तो दिस इज अ ब्रेकआउट, अगर ये ऑप्शन इसके ऊपर निकल जाता है तो ये एक क्लियर कट ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद हम थोड़े बड़े टारगेट्स, जैसे आप देखोगे ये ऑप्शन यहाँ से गिरा था 170 रुपीज़ से, 150 रुपीज़ से, इस एरिया तक के भी हम टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अभी भी इसमें जगह दिख रही है। अब ये सब आपको चार्ट जब आप ऑप्शन का लगाओगे तो ही इमेजिन हो पाएगा। प्लस यहाँ पे मेरे को मेरी बाय प्राइस भी दिख रही है, तो आपको मैं अपना अगर बाय का लॉजिक भी बताऊँ तो देखो यहाँ पे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बन रहा था ऑप्शन के चार्ट पे, ऑप्शन यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर रहा था, फिर एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना, तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री इसके अंदर ले ली। अभी देखिए, यहाँ पे अगर मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, लेट से मेरे को ऑप्शन बेचने हैं, तो ऑप्शन सेलिंग का भी सिंपल सेम ही तरीका है, बस आपको देखो जैसे मैं अगर मार्केट गिर रही है तो कॉल ऑप्शन बेचना चाहूंगा, तो 21900 की कॉल मैं अगर यहाँ पे बेचना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस
रेड बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, लेट से मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे अभी ऑलरेडी पोजीशन है बट मैं यहाँ पे थोड़ा और पोजीशन आपको बेच के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे 350 क्वांटिटी का और सेल करता हूँ लेट से, तो देखिए 350 क्वांटिटी मैंने क्लिक किया तो बिक गया। तो दिस इज हाउ सिंपल इट इज। सपोज मुझे ये पोजीशन को क्लोज करना है तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस क्रॉस क्लोज पोजीशन, ये सारा का सारा पोजीशन कट जाएगा। सपोज मुझे दिल करता है यार मेरे को ना पूरा ही माल बेचना है अपना, जो जो अकाउंट में है सब खत्म हो जाए, सारी पोजीशन खत्म हो जाए, एग्जिट ऑल ओपन पोजीशन, जस्ट बाय क्लिकिंग अ बटन मैं सारी पोजीशंस अपनी क्लोज कर सकता हूँ। इस पर मुझे कोई सेलेक्टिव कार्ट नहीं है, दो ही पोजीशन है फिलहाल, तो मैं वो सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। मान लो आपके पांच छह पोजीशन है, आपको कोई एक आधी छोड़ के बाकी सारी क्लोज करनी है, तो आप सेलेक्ट करके फिर एग्जिट ऑल पोजीशंस पे भी क्लिक कर सकते हो। तो यू सी हाउ ब्यूटीफुल द मार्केट इज मूविंग। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, 180,000 हो गया। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू मेक अ वीडियो। अभी यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें लेट से, तो देखिए बैंक निफ्टी का भी आपको यहाँ पे अब चार्ट पे अगर दिख रहा है कि भाई बैंक निफ्टी प्रेशर में है। बैंक निफ्टी आप देखोगे कि ऊपर एक काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग हाई 47,000 राउंड लेवल के थोड़ा सा नीचे लगाकर गिरता है। अब हम फ्री मनी की बात करने लगे, यहाँ से बैंक निफ्टी जोर से गिरता है और यहाँ पे साइडवेज चला गया। आई कैन सी दिस पैटर्न है कि भाई ये वापस ये इस तरह से गिरेगा, दिस कुड बी अ फ्लैग पैटर्न इन्फॉर्मेशन। और अगर ये फ्लैग नहीं भी होता तो ऑप्शन सेलिंग का क्या फायदा है, फ्री मनी का क्या फायदा। देखो अगर मैं ये कॉल बेचता हूँ और बैंक निफ्टी सडनली पलट जाता है, आई कैन बी इन ट्रबल, ठीक है। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज फ्री मनी। देखो आज मंडे ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ट्यूसडे का दिन यानी कल का दिन और बीतना है और वेडनेसडे को इसकी एक्सपायरी है। तो सिर्फ दो दिन मुझे यहाँ पे मार्केट को झेलना है पैसा बनाने के लिए। अगर मुझे यहाँ पे फ्री मनी इकट्ठा करना है, व्हाट आई कैन थिंक अबाउट इस बिल्कुल सिंपल बात करूँ तो भाई 47,000 की कॉल बेचना काफ़ी एक सरल और एक इजी ऑप्शन मुझे यहाँ पे नज़र आता है कि भाई 47,000 की अगर मैं कॉल बेच दूँ तो दैट कुड बी अ गुड आइडिया, दैट इज नॉट बैड आइडिया एट ऑल, इसमें अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर मुझे 47,000 की कॉल बेचनी है तो सिंपल है, यहाँ पे वॉच लिस्ट पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा एंड आई कैन जस्ट टाइप 47,000 लिखा मैंने बैंक निफ्टी, इसी एक्सपायरी की 7 फरवरी लिखा हुआ है 47,000। आई कैन क्लिक ऑन दिस प्लस, ये यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ गई। अब देखिए जब मैं हम ऑप्शन सेल करते हैं, लेट्स से मेरे को इस ऑप्शन को बेचना है, ठीक है, लेट्स से आई वांट टू सेल दिस ऑप्शन, तो देखो इस ऑप्शन को बेचने में मेरे को पैसा लगेगा, काफ़ी अच्छा एक मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, आपको ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास लगता है। यहाँ पे दिखा रहा है 84,000 रुपीज़ इसको बेचने में लगेंगे, तो आप 1 लाख रुपीज़ एक राउंड नंबर मान लीजिए कि भाई 1 लाख रुपीज़ आपको एक लॉट ऑप्शन सेलिंग में लगते हैं। और यही कारण है कि भाई थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, ऑप्शन सेलिंग को अवॉइड करते हैं, ऑप्शन सेलिंग में मज़ा नहीं है, ऑप्शन सेलिंग में पैसे कम बनेंगे भी तो, और यहाँ पे आपको मार्जिन भी ज़्यादा लगेगा, सबके बस की बात नहीं, सबको ऐसा कई लोगों को ऐसा लगता है। देखिए इस चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। देखो अगर आपको 47,000 रुपीज़ की कॉल बेचनी है, ठीक है, पहली बात बहुत सारे और प्लेटफॉर्म है जो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे फ्री मनी के लिए इस तरह के ऑप्शन को बेचना। लेट से जीरोधा वगैरह पे मैं खुद पहले ट्रेड करता था तो वहाँ पे अलाउड ही नहीं है आपको, वो जो स्ट्राइक प्राइस अगर अभी चल रहा है मार्केट का 45,800 तो 46,100-200 से ऊपर जाने नहीं देंगे। तो जो वो वहाँ पे आपको अवेलेबल ऑप्शंस हैं सेल करने के लिए या इनफैक्ट बाय करने के लिए भी, दे आर वेरी रिस्की। बट अगर आपको 47,000 बेचना है तो फायर्स पे अगर आप मेरे अकाउंट से नीचे जो मैंने दिया हुआ लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं तो यू कैन डू इट। अब मेरे को 47,000 बेचना है और कम पैसों में बेचना है, यू नो 1 लाख रुपीज़ या 90,000 रुपीज़ जो ये दिखा रहा है ऑलमोस्ट, ये नहीं चाहिए मुझे। मेरा ये काम हो सकता है ऑलमोस्ट 35,000 रुपीज़ में, बस 35,000 से भी कुछ कम में ये काम हो सकता है, यानी 1/3 में जो पैसे लगते हैं उससे 1/3 में हो सकता है। कैसे? देखो इस चीज़ को करने के लिए मुझे अपने 35 रुपीज़, ये जो ऑप्शन मैं बेचने वाला हूँ 35 रुपीज़ का, इसमें से कुछ देना पड़ेगा मार्केट को, मतलब पूरे 35 नहीं कमा पाऊंगा मैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वॉच लिस्ट में 48,000 की कॉल को भी ऐड करना पड़ेगा, 48,000 की कॉल को बैंक निफ्टी की। देखो बैंक एक्स भी आ गया आजकल, बट हमें बैंक निफ्टी पे काम कर रहे हैं अभी, तो बैंक निफ्टी पे, तो ये बैंक निफ्टी की 48,000 की कॉल है, इसको भी ऐड कर दिया। देखो ये 35 की है और ये 8 रुपये की है, तो मुझे ये 8 रुपये की कॉल पहले खरीदनी पड़ेगी। यू नो अभी मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको 47,000 की भी ऑप्शन को बाय या सेल नहीं करने देते। फायर्स पे यू कैन गो एज फार एज 48-49 जो आपका दिल करे, ठीक है। अगर आपको नीचे लिंक दिया हुआ उससे अकाउंट खुलवाएंगे, जो दिल करे आप बाय सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 48,000 की कॉल पहले मुझे खरीदनी पड़ेगी, इस कॉल को जब मैं खरीद लूंगा और उसके बाद जब मैं ये ऑप्शन सेलिंग करूंगा तो मेरा ऑब्वियसली बात है 35 नहीं मिलेगा मुझे पूरा, क्योंकि 8 रुपये मैंने खरीदने में भी लगाए हैं, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 35 से घट के 27 रुपीज़ के आसपास हो जाएगा। बट डजेंट मैटर, वाई इट डजेंट मैटर, बिकॉज मैं जो पहले क्वांटिटी बेच सकता था उससे 3 गुना बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पहले 1 लाख लग रहे थे, अब ऑलमोस्ट 1/3 लग रहे हैं। तो यू नो मैं टेक्निकली पहले 35 रुपीज़ कमाने वाला था, अब मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई 27 को आप 25 मान लीजिए, तो अब मैं 25 into 3 times मैं यहाँ पे अब 75 रुपीज़ कमा सकता हूँ।
तो 75 रुपीज मैं कमा सकता हूँ, विच इज ऑलमोस्ट डबल, यानी मैं मार्जिन का बेनिफिट उठा के डबल प्रॉफिट कर सकता हूँ, और दिस इज काइंड ऑफ अ फ्री मनी। गिरती हुई मार्केट में दिस इज अ फ्री मनी। अब मैं आपको ये अगर करके दिखाना चाहूँ तो सिंपल है, देखिए पहले मुझे ये ऑप्शन बाय करना है। लेट से मैं यहाँ पे इसको बाय करता हूँ 300 क्वांटिटी को, 315 क्वांटिटी को हम बाय करते हैं, ठीक है, ये मैंने बाय कर लिया। नाउ आई वांट टू सेल, अब मैं इस जो सेल करना है इसको यहाँ पे 315 क्वांटिटी को सेलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा सेल हो गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये मेरा एक ऑप्शन सेल हो गया, ऑलरेडी इसमें भी प्रॉफिट दिख रहा है आपको, और यहाँ पे ये मेरा ऑप्शन बाय हो गया। देखो नेट प्रॉफिट भी हमारा 2.5 लाख हो गया, चलती हुई मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अच्छा एक तरीका और है जो थोड़ा और इजी है, उसके लिए क्या करना है आपको, ये देखो यहाँ पे ना ये बास्केट बना होता है, दिस इज बास्केट ऑर्डर्स, इसमें चले जाओ, जो आपको ऑप्शन खरीदना है और जो आपको बेचना है उन दोनों को डाल दो। लेट से हमें 315 क्वांटिटी ही और इसकी खरीदनी है और 315 ही क्वांटिटी इसकी और बेचनी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 315 डाल देना है। ये आपको दिखा रहा है कि आपको भाई कितना नेट मार्जिन लगेगा, तो हमें 6 लाख रुपए के करीब ये कह रहा है, 6.5 लाख रुपए लगेंगे 315 क्वांटिटी का ये एक ऑर्डर और डालने के लिए। मैं यहाँ पे प्लेस पे क्लिक कर सकता हूँ और ये दोनों ऑर्डर्स मेरे एक साथ एक ही टाइम पे जो भी करंट प्राइस चल रहा है उस पे एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ये इतना अच्छा है और इतना यहाँ पे बढ़िया तरीके से ये हो जाता है। दोस्तों एक सेकंड, मेरे कुछ पोजीशंस इधर भी है एक दूसरे अकाउंट में, तो उनको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। ओके सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी पोजीशन को एक बार क्लोज कर देते हैं, फिर हम और बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा इसको बुक कर लेते हैं, ऑप्शन सेलिंग को होल्ड रखेंगे, मार्केट गिरता रहेगा तो ऐसा आता रहेगा। ऑप्शन बाइंग में वी नीड मोमेंटम, यू नो ये जा सकता है ऊपर, बट क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ वापस इसको मैं देखूंगा, मार्केट भी खत्म होने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमारा ये जो ट्रेड था इसके अंदर 630 क्वांटिटी सेल हो गया और 630 क्वांटिटी बाय हो गया। देखो आपको अगर सिंपल कैलकुलेशन करनी है तो फॉर एवरी 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपये के लिए, हर 10 लाख रुपये के पीछे आप ऑलमोस्ट 450 क्वांटिटी, उससे थोड़ी ज़्यादा ही ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो 450। अब देखो फ्री मनी की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया कि कैसे आप यू नो 450 क्वांटिटी 10 लाख के पीछे अगर आप 30 रुपीज़ का ऑप्शन भी बेचते हो और हेज वगैरह के साथ आपको 30-25 ऐसे पैसे भी मिलते हैं, मैं कहता हूँ 25 रुपये आपको मिलते हैं, तो ये कितना अमाउंट हो गया आप खुद सोचिए, ये ऑलमोस्ट 10,000 रुपये हो गया। देखो ये 3 दिन का ट्रेड है, आज मंडे ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अभी डाल रहे हो ट्यूसडे और वेनसडे, 2 दिन में आपके घर पे ये पैसे आने वाले हैं और आपको लॉस होने के लिए मार्केट को बैंक निफ्टी को 1500 पॉइंट उछलना पड़ेगा 2 दिन के अंदर, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम से हो जाएगा, आपको लॉस इमीजिएटली नहीं होगा, एंड यू कैन ऑल्सो हेज इट इफ यू वॉन्ट। तो यहाँ पे आपके पास इनफ च्वाइसिस रहती है। अब देखो अगर 10 लाख के पीछे आप 10,000 बना पा रहे हो, और लेट से आप ये काम 4 एक्सपायरी होती है हर महीने, कभी कभी 5 भी होती है, आप सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए करते हो और सिर्फ सुकून से मंडे को ट्रेड डाल के वेडनेसडे को बुक करते हो, 4 एक्सपायरीज में 4 बार काम करते हो, तो 10-10,000 करके आप यहाँ पे 40,000, 50,000, 60,000 भी कर सकते हो थोड़ा अगर आप एग्रेसिव जाते हो। तो यहाँ पे इजीली यू कैन मेक 4% 5% एवरी मंथ। मैं कहता हूँ कभी कभी आपसे कुछ गलती होगा, कुछ होगा, बट 2-3% हर महीने का कहीं नहीं गया, 2-3% हर महीने का कहीं नहीं गया, जब अपॉर्चुनिटी लगे फ्राइडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, एक सस्ता सा दूर का ऑप्शन खरीद के वो दूर का ऑप्शन साथ में एक बेच दीजिए, ऐसा जैसे आपको मैंने सिखाया, और एक ये फ्री मनी को आप कैप्चर कर सकते हो। 2-3% अगर आप हर महीने बनाते हो तो यू नो ये ना सिर्फ आपको एक साल बाद बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है आपके कैपिटल पे, यहाँ पे अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ठीक है, तो ये जो पैसा है ये बहुत काम का है दोस्तों, क्योंकि ये पैसे से आप और चीज़ें प्लान कर सकते हो। मान लो आपको पता है कि भाई अब आपको ऑप्शन सेलिंग है जो फ्री मनी स्ट्रैटेजी है, इससे 40-50,000 रुपये आने वाले हैं हर महीने। मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ करने को, भाई अगर आपको 40-50,000 रुपये की इनकम है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस 40-50,000 का रिस्क लेकर लेवरेज एक तरीके की हो गई आपकी ऑप्शन बाइंग में और ट्राई कर सकते हो। अगर आपका ऑप्शन बाइंग में 1 या 2 ट्रेड अच्छे चल जाए तो आपने रिजल्ट खुद ही देखा, भी आपके सामने है। देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो मैं आपको सिंपल सी बात बोलूँ, अगर आपके पास लेट से किसी के पास 10 लाख रुपये हैं अकाउंट में, ठीक है, एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, देखो 1 लाख हो तब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया, और 1 करोड़ हो तो भी कर सकते हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि भाई आपके पास मान लो 10 लाख रुपये हैं अकाउंट में, आप जब ऑप्शन मान लो ऑप्शन सेलिंग नहीं करते हो, ऑप्शन बाइंग ही करते हो, तो क्या आप हर बार 10 लाख रुपये यूज़ करते हो अपने? नहीं करते, और करने भी नहीं चाहिए, कभी कभी हो भी जाते हैं इमोशनल होकर, एवरेजिंग करके, ये करके, वो करके, जो फिर भारी नुकसान का कारण बनते हैं कई बार, क्योंकि आदमी गलत ट्रेड में ही एवरेज करता है, सही ट्रेड में नहीं करता है नॉर्मल। तो यहाँ पे 10 लाख रुपये में से आपके यू नो हर वक्त आपको भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 1-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख से ज़्यादा कभी यूज़ नहीं कर रहे होगे आप, बाकी 6-7 लाख, 8 लाख अकाउंट में पड़े हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वाई डोंट यू प्लान लाइक दिस कि भाई आपके पास 10 लाख हैं, आप 2 लाख से ऑप्शन बाइंग करने वाले हो और 8 लाख को आप हर वक्त अपने उलझा के रखोगे ऑप्शन सेलिंग में, जो आपको एक
साइड इनकम फ्री मनी देगा जो 30,000-40,000 के करीब हो सकता है, आराम से ज़्यादा भी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सीख के करोगे, स्किल्ड तरीके से करोगे। मैंने इस चीज़ के ऊपर लास्ट ईयर, अभी तो नहीं बट लास्ट ईयर, एक फिक्स्ड इनकम कोर्स भी बनाया था जिसमें इन चीज़ों को और डिटेल में समझाया था स्ट्रैटेजीज को। तो देखो अगर आप इस चीज़ को इस तरह से प्लान करते हो तो दिस कुड बी वेरी इजी, वेरी गुड। और यहाँ पे आपको यू नो जो 8 लाख रुपए यूज़ ही नहीं हो रहे थे उसी को लगाना है, और उससे दूसरा फायदा ये होगा कि ऑटोमेटिकली आपकी मनी मैनेजमेंट बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि आपके पास अकाउंट में पैसे ही नहीं होंगे 10 लाख पूरे के पूरे। तो कभी कभी क्या होता है, सनक जाती है आदमी की, आदमी लगा बैठता है। मैंने खुद ने बड़े बड़े लॉसेस खाए हैं ऑप्शन बाइंग करके, मतलब मैंने अपने अकाउंट को इस तरह से ब्लो किया कि भाई मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए होते थे जब कभी एक टाइम पे, तो 50 में से मैं एक ही दिन में 20-25 लाख रुपए का नुकसान किया। हालांकि ऐसा मेरी लाइफ में 2 दफ़ा हुआ है सिर्फ, लेकिन मैंने इस तरह से मिस्टेक करी है। और इस चीज़ का हल यही है कि अगर मेरे पास, मेरे को 50 लाख हैं और मुझे ऑप्शन बाइंग में मुझे पता है कि भाई कुछ गलत होगा तो ही मैं पैसे और डालने वाला हूँ, वरना अच्छे ट्रेड में सब सही चलेगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा हद मार के भी 10 लाख से ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। कितनी भी मैं कितनी क्वांटिटी बाय कर लूँगा, मैं 5,000-10,000 क्वांटिटी भी बाय कर लूँगा तो 100 रुपये का ऑप्शन 10,000 क्वांटिटी आराम से 10 लाख रुपये में हो जाता है। तो बाकी के 40 लाख को मैं अभी आज की डेट पे आपको भी सजेस्ट करता हूँ, स्टूडेंट्स को भी और खुद के लिए भी, कि इस तरह से प्लान कीजिए कि कुछ फ्री मनी आपको मिलता रहे। अगर आपको ये बाकी के पैसे जो यूज़ नहीं करने चाहिए और ना होने वाले थे अदरवाइज, उससे कुछ एक इनकम आ रही है, तो होगा क्या कि अगर आपने ऑप्शन बाइंग में कभी कोई नुकसान खा भी लिया तो यू नो आपको यहाँ से वो पैसा आने वाला है। तो यू आर ऑलवेज हेज्ड एंड इस तरह से यू नो हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, यहाँ पे भी आपका अकाउंट डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों आपके लिए, और आपको एक प्रॉफिट भी करके दिखाया कि ट्रेडिंग कैसी होती है, क्रिएटर की लाइफ कैसी होती है, कभी सुख कभी दुख लगा रहता है। देखो ये आज प्रॉफिट हुआ इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है, बट नो शो ऑफ, कभी कभी बहुत मोटे मोटे नुकसान भी होते हैं, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। और यू नो यहाँ पे आपको पता होगा आप क्या कर रहे हो तो ही अच्छा है, अदरवाइज यू नो थिंग्स विल नॉट बी दैट इजी जितना ये लगता है। इसको देख के कभी भी आप ये मत सोचेगा कि ट्रेडिंग इज़ फ्री मनी, ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी, बहुत ही यही करना है अब तो वाह मज़ा आ गया। नो इट्स नॉट लाइक दैट। अभी अपॉर्चुनिटी था मार्केट में, मार्केट यू नो झटके से जो हमने टारगेट निकाला था उसकी तरफ आ गया जोर से। आप देखोगे निफ्टी के अंदर यू नो मैंने एक्चुअली वीडियो बनाने का प्लान पहले ही कर लिया था, और बनाते बनाते मार्केट गिरने लग गया तो मैंने फिर एक पोजीशन भी डाल दिया। बट आप देखोगे कि मार्केट ने ये जो गैप छूटा हुआ था, हम प्लान कर रहे थे कि मार्केट यहाँ तक कहीं तक आ सकता है, वही किया मार्केट ने, और ये बहुत ही झटके में किया मार्केट ने। 45 मिनट्स में 3 कैंडल में ये मूवमेंट दिया, जिसमें से ज़्यादातर तो इसी कैंडल में आया, तो एक्चुअली मेरी एंट्री भी यहीं पे कहीं पे हुई थी। तो ये आप देखोगे कि भाई एक जोरदार मूवमेंट मार्केट में आया। अब देखो होता क्या है ना, मैंने पोजीशंस काट दी। अब आप सोचोगे कि भाई क्या मार्केट अब ऊपर जाएगा, जस्ट एक क्वेश्चन किसी के अगर मन में आ रहा हो। देखो मेरे को लगता है अभी भी मार्केट गिरेगा, बट होता क्या है कि मैंने एक बार अपनी पोजीशन काट दी, आई एम फ्री, एंड यहाँ पे अभी एक हैमर कैंडल बन रहा है, आई कैन लुक इट, ऑब्जर्व इट। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेता है, जनरली क्या होता है टेक्निकली स्पीकिंग, ये जो बड़ा कैंडल है इसके आधे तक मार्केट जाके, आधे तक 61% तक यहाँ तक कहीं तक पुल बैक लेके फिर कंटिन्यू करता है। यू नो मार्केट कैन नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। मार्केट एक बार जोर से गिरा, उसके बाद इसने यहाँ पे बहुत लंबा कंसोलिडेशन किया जिसमें पेशेंस टेस्ट करी इसने। अब यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हुई तो इस फेज में मैं यू नो श्योर भी नहीं था कि गिरेगा ही गिरेगा, पैटर्न जरूर बन रहा था पर ये यहाँ से निकल भी सकता था ऊपर, हु नोस। तो मैं यहाँ पे बाहर रहा, यू नो ये प्रॉफिट किया, उसके बाद मैं बाहर रहा, और यहाँ पे मार्केट ने जो करना था किया। एंड देन व्हेन इट स्टार्टेड फॉलिंग अगेन, सो आई यू नो मैंने पूरा नहीं कमाया होगा शायद, मैंने ये अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे बेचा और यहाँ पे बुक किया, नो मैंने बीच में भी आपको दिखाया था आधा क्वांटिटी भेज दिया था, बट आई कैन से कि भाई मैंने अगर ये मार्केट में एक यू नो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मूव आया तो उसमें से 150-160 पॉइंट्स मेरे पास हाथ में आ गए। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि मैं दूर का कॉल बेचा हूँ, ठीक है, मैम लेट से मैंने यहाँ पे 22,000 का कॉल बेचा है, 21,900 का कॉल बेचा है, तो इसमें मेरे पास 100 रुपये का प्रीमियम भी है, और रात अभी दिन खत्म होने वाला है तो रात को मुझे ओवरनाइट का प्रीमियम का बेनिफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मार्केट यू नो गैप डाउन खुलता है, आई एम गोइंग टू मेक मनी, मार्केट ओपन फ्लैट, आई एम गोइंग टू मेक मनी, इफ मार्केट ओपन फ्लैट ऑल्सो देन इट्स ओके। अगर ये स्ट्राइक प्राइस को हिट करता है तो भी मेरे पास 100 रुपये का प्रीमियम, 100 से लगभग थोड़ा सा कम का प्रीमियम है, तो मैं एक्चुअली 22,000 तक सेफ हूँ। और अगर ऐसा कुछ होने लगता है तो ऑब्वियसली मेरे सामने होगा, यू नो वर्स्ट केस कुड बी कि मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुल जाए, बट उसका सिनेरियो मुझे लग नहीं रहा, ग्लोबल वगैरह सब देख चुका हूं मैं। अगर ऐसा कुछ होगा, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन ऐड अ पुट, इसके कॉल के सामने पुट भी ऐड कर सकता हूं। सो व्हाट विल हैपन इज मेरे पास 100 की जगह 200 रुपए का प्रीमियम हो जाएगा, एंड दिन भी खत्म होते जा रहे हैं एक्सपायरी को, तो यू नो मार्केट कैन रिमेन साइडवेज ऑल्सो एंड आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट फॉर ऑप्शन बाइंग आपके पास क्लियर कट सेटअप होना चाहिए। यू नो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे लोग जो है एंट्री करते हैं, इधर डे लो टूटता है, यहाँ पे कहीं पे एंट्री करेंगे उसमें भी थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, एंड ऑप्शंस मूव टू फास्ट।
तो यहाँ पे ज़्यादा एंट्री करेंगे एंड देन कई बार बुक भी नहीं कर पाएंगे कि यार ये तो एग्जैक्ट इस टारगेट तक आया ही नहीं, इसके पहले ही उछल गया, तो यहाँ पे कुछ भी हाथ में नहीं आता, स्कैल्पिंग करके रह जाते हैं या फिर कई बार स्टक हो जाते हैं। सो आपकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, यू नो योर एंट्री शुड बी एज गुड एज समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं भी आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये पैटर्न आप देखोगे तो दिस वॉज द एक्चुअल पैटर्न जिस कारण से मार्केट नीचे आ रहा है, यू नो। और टारगेट ये होगा या ये होगा डजेंट मेक अ होल लॉट ऑफ अ डिफरेंस। मार्केट ने एक 200 पॉइंट का मूवमेंट दिया, दिस इज व्हाट मैटर्स, आप इसमें कितना बनाते हो। और यू नो मार्केट कैन अगेन कंसोलिडेट एंड कम डाउन, इट कैन ओपन गैप डाउन। सो यू नो कुछ आपको एक सेफ्टी फैक्टर, कुछ रिस्क, ये सबका एक बैलेंस बना के ट्रेड करना होता है। तो दिस इज हाउ इट इज। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लर्न किया होगा आपने कुछ। हरे कृष्णा दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।